हेलो एवरीवन, आज करते हैं अपन ऑडिट असेंबली का रिवीजन। करें स्टार्ट ऑडिट असेंबली। सबसे पहले ऑडिट असेंबली के अंदर अगर अपन सैंपल लेकर चेक करें तो याद रखना, सैंपल लेना, चेक करना, वो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कहलाता है। कितना अपन को चेकिंग करना है, ठीक है? तो सैंपल साइज ही क्या कहलाता है? एक्सटेंट कहलाता है। सैंपल साइज ही एक्सटेंट कहलाता है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। अब ये जो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग है यानी कि सैंपल साइज है, यह है मैटर ऑफ प्रोफेशन, जैसे तुम्हें कितना करना है, ठीक है? मतलब पूरा 100% करना है, कितना करना है वो तुम्हारे ऊपर। तो ये मैटर ऑफ पीजी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। उसके बाद अब ऑडिट असेंबलिंग को मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है ऑडिट असेंबलिंग का? ऑडिट असेंबलिंग का मीनिंग है एपी परफॉर्म करना, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना लेस देन 100% आइटम पर, ठीक है? जहाँ पर सारे असेंबलिंग यूनिट का सेलेक्ट होने के चांस क्या हो? इक्वल हो, ठीक है? और सैंपल पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो तब होगा जब लार्ज इनफ हो, ठीक है? तो लार्ज इनफ होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है सैंपल का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग सैंपल लेकर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सैंपलिंग से पॉपुलेशन पर। ये ऑब्जेक्टिव है, सैंपलिंग से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन, ठीक है? स्कोप क्या है? स्कोप में आता है ऑडिटर यूज करे, किसका यूज करे? या तो स्टैटिस्टिकल का या नॉन स्टैटिस्टिकल का, ठीक है? इसका यूज करना मैटर ऑफ पीजे है एंड नॉट अ सैंपल साइज। ऐसा नहीं है ज़्यादा सैंपल साइज लेना हो, सैंपल साइज बड़ी हो तो ये मेथड यूज़ करो या कम हो तो ये यूज़ करो। सैंपल साइज कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं होता, कौन सा यूज़ करें उसका, ठीक है? मैटर ऑफ पीजी होता है। अब ये जो दो वो है अप्रोच, इसे अप्रोच बोलते हैं दोनों को। ये अप्रोच दो काम में आते हैं, ऑप्टेन और इवेल्युएट करने के काम में। सैंपल को ऑप्टेन करना और इवेल्युएट करना रिजल्ट को। किस जगह पर यूज़ होता है? टीओसी में भी होता है, टीओडी में भी होता है। अब टीओसी में यूज़ करेंगे तो डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और टीओडी में यूज करेंगे तो मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने, ठीक है? तो दोनों में इसका अलग अलग काम है। 500 ने कुछ 20 बनाए आइटम सेलेक्ट करने के, ठीक है? उसमें से एक मीन क्या है? ऑडिट सैंपलिंग, और 500 को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर सेट ऑफ डेटा, ठीक है? इसमें से सैंपल लेते हैं और इसी के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको चेक करना है कार कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल। नीड टू बी करके अपन लिखेंगे हर चीज़ को। जैसे कंप्लीटनेस, पॉपुलेशन नीड टू बी कंप्लीट, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? और मतलब क्या कंप्लीट का? इंक्लूड करें ऑल रिलेवेंट आइटम, यानी कि पॉपुलेशन ऑल रिलेवेंट आइटम इंक्लूड करें, ठीक है? तभी कंक्लूजन रीजनेबल होगा, तभी सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस बोलता है कि पॉपुलेशन हमारे पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। तो रेलेवेंट हो फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है? यानी कि एक तरीके से अप्रोप्रिएटनेस रेलेवेंस की बात करता है। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग को कंसिडर करना होता है इसके अंदर, ठीक है? यानी कि ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अंडर स्टेटमेंट होगा तो अनपेड स्टेटमेंट, अनपेड इनवॉइस, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट और सप्लायर्स स्टेटमेंट। रिलायबल, रिलायबल होना चाहिए मतलब क्या? रिलायबल होना चाहिए मतलब रिलायबल डिपेंड करता है नेचर और सोर्स पे ऊपर। तो रिलायबल होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी और सोर्स, ठीक है? नेचर सोर्स की जगह एक्यूरेसी सोर्स वर्ड यूज करता है, ठीक? अगर रिलायबल नहीं होगा तो रिलेवेंट भी नहीं होगा। जो पॉपुलेशन रिलायबल ना हो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। सैंपलिंग यूनिट का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट जो मेकअप मिलकर के क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। और ये डिवाइड, पॉपुलेशन डिवाइड हो सकता है वैरायटी ऑफ वेस। तुम्हारी आवाज सुनी धीरे। यूज एज एक्स्ट्रापोलेशन के तौर पर इसको यूज करते हैं, ठीक है? अप्रोच का मतलब होता है अप्रोच दो काम में हेल्प करता है, ऑब्टेन और इवेल्युएट करने में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले अप्रोच की। अप्रोच नंबर वन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, अप्रोच नंबर टू नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होता है इसमें सिलेक्शन होगा रैंडम, इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है? तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग उस सैंपलिंग को बोला जाता है जहां पर सिलेक्शन रैंडम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि रैंडम में पर्सनल बायस नहीं होते फिर, ठीक? अब रैंडम भी कैसे लेना है उसके भी तरीके बताए, तब पर्सनल बायस नहीं होंगे। तो रैंडम किसका यूज करें? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करें, ठीक है? उसके बाद इवेल्युएट और मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क, ये दो काम किसका यूज करके करेंगे? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी, ठीक है? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी। अब इसके फीचर्स है सैंपलिंग के, मैप, एम का मतलब होता है मोर साइंटिफिक। ये मोर साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का यूज करता है सैंपल साइज को डिटरमिन करने में, इसलिए मोर साइंटिफिक बोला है। और साइंटिफिक होने की वजह से पर्सनल बायस भी आते, ठीक है? अब बीच में आता है वाइड एप्लीकेशन, जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम होंगे, होमोजीनियस आइटम होंगे, ठीक है?
तब अपन इसको यूज करेंगे, लैंड नंबर और सिमिलर आइटम होमोजीनियस आइटम होगी तब इसको यूज करेंगे, ठीक है। साथ में इसका यूज क्या होता है, टीओसी में होता है इसका यूज अधिकतर बार, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस में। तीन एग्जांपल हमने लिखे थे यहाँ पर ताकि याद रहे, अपन लिख सके, ठीक है। अब दूसरे फायदे क्या है इसके, कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैम्पलिंग यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सुटेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन को प्रीजज नहीं किया जाता, एक खराब बात यह है कि लग्जरी होता है, ऑर्डर कैन नॉट अफोर्ड। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का अपने तरीका याद रखा था, बेस टू रिड्यूस मोर इनटू मिनिमम, मिनिमम प्रमोशन विदाउट पर्सनल बायस। तुम्हारी आवाज धीरे रखो, मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बीज, मीन ऑफ ड्राइविंग कैलकुलेटर रिस्क, कैलकुलेटर रिस्क काल में हेल्प करता है ना, कैसे करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर तुम सारी चीजें डालोगे तो बताएगा इतने में इतना रिस्क होगा, इतने सैंपल में इतना रिस्क होगा, ठीक है। उसके बाद सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर को रिड्यूस करता है, रिड्यूस। उसके बाद है मोर, मोर ऑब्जेक्टिव डिफेंसिबल है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करता है, इसलिए मोर ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, ठीक। मिनिमम, मिनिमम सैंपल साइज से काम चल जाता है, ये कम से कम सैंपल बताएगा तुम्हें जिसमें रिस्क कम से कम हो जाए। सैंपल साइज की एक बात याद रखना, बेसिक बात, सैंपल साइज इतना लेना होता है कि रिस्क रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, तो ये ऐसा ही बताता है सैंपल साइज, ठीक है। प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन के बढ़ने से सैंपल प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता, नो पर्सनल बायस, क्योंकि साइंटिफिक होता है। कहाँ यूज नहीं कर सकते, वेर एक्यूलेट लीगल नॉलेज इज रिक्वायर, इज नेसेसरी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूरेट, नॉट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ एग्जैक्ट एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी में एक्यूरेट नहीं है, और मतलब यूज नहीं कर सकते इसको। लीगल रिक्वायरमेंट होके पूरी चेक करो तभी अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉलेज ही ना हो सैंपल लेने की तभी अप्रोप्रिएट नहीं है, और दूसरा नेसेसरी हो, अदर इज नेसेसरी और बेटर, दूसरे प्रोसेस नेसेसरी और बेटर हो तो उस केस में। कहा गए थे, अब आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अंदर हम लोग सैंपल साइज और उसका कॉम्पोजिशन, यानी कि सैंपल साइज कितना रखें और सेलेक्ट कैसे करें, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन स्टैटिस्टिकल सिंपल होता है, ट्रेडिशनल होता है, इसका एग्जाम्पल लिया अपन ने कि किसी साल में अपन ने ये तीन महीने लिए और उसके अगले साल में अगले कोई तीन महीने लिए, इससे क्या होता है, अवॉइड करना पैटर्न, पैटर्न अवॉइड होता है, पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। साथ में क्लोज ऑफ द ईयर को ज़्यादा चेक करना होता है इसके अंदर, ये बता रहा है इसके अंदर होता है कैसे काम, तो एग्जाम्पल बता रहा है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का, कि कभी ये तीन महीने ले लिया, अगले महीने ये तीन महीने ले लिया ताकि पैटर्न अवॉइड कर सके। और कैसे काम होता है इसके अंदर, और क्लोज ऑफ द ईयर का जनरली अपन चेकिंग ज़्यादा करते हैं, कट ऑफ का प्रोसेस चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्लोज ऑफ द ईयर, कट ऑफ का प्रोविजन, रिस्क ज़्यादा होना। चलो क्रिटिसिज्म, इसे क्रिटिसाइज किया है कि नाइदर ऑब्जेक्टिव और नॉन साइंटिफिक, ना तो ऑब्जेक्टिव है ना साइंटिफिक है, ठीक है। पर्सनल बायस होता है इसके अंदर, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस। चलो सैंपलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, इसमें सबसे पहले बताएगा कि ट्रेडिशनल खराब क्यों है, 100% चेकिंग करना कोई इजी बात नहीं है, अनइजीनेस की वजह से हम क्या लेकर आए, सैम्पलिंग लेकर आए, सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ा उनको, ठीक है। 100% चेक करने के बाद भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता और रिस्क जीरो पे रिड्यूस नहीं होता। अब सैंपल की बात करें तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल को टेस्ट कर लोगे तो टीओसी से टीओडी में हेल्प मिलती है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल को चेक कर लेंगे, ठीक है, तो उससे अपन सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन कर लेंगे किसका, टीओडी का, यानी अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है तो सैंपल साइज कम रखेंगे, कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है तो सैंपल साइज कम रखेंगे, टीओसी हेल्प करता है टीओडी में, टीओसी हेल्प करता है टीओडी में। चलो अब खराब बात क्या है सैंपलिंग की, ठीक है, सैंपलिंग की खराब बात ये है कि कंप्लीट रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, एरर के चांसेस है, रिलायबिलिटी कंप्लीट नहीं मिलेगी, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, रिलायबिलिटी कंप्लीट, रिजल्ट एक्यूरेट, एरर के चांसेस है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेस ऑफ एक्टिविटी है सर, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, अगर तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो बढ़ा दो, टॉलरेबल एरर, तुम ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो कम कर दो, ऑर्गेनाइजिंग साइज ज़्यादा बड़ी है सैंपल, इंटरनल कंट्रोल एफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, सैंपल साइज कम, सेटिस्फैक्ट्री है तो सैंपल साइज कम, रिकॉर्ड रिलायबल है कम कम, ठीक है, रिकॉर्ड बहुत रिलायबल है, भरोसा है तुम्हें तो कम सैंपल लेकर चेक कर लो, भरोसा ये तो, ठीक है। सैंपलिंग प्रोसेस, प्रोसेस में सबसे पहला काम आता है सैंपल डिजाइन करना, सैंपल डिजाइन के अंदर ये चीजों का ध्यान रखना होता है,
तो ये पूरी बात डिजाइन की हो रही है। जब सैंपल डिजाइन कर रहे हैं, सैंपल बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे सैंपल लेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहला कंसिडर करना होता है पर्पस। हमारे एपी का पर्पस क्या है, हम एपी परफॉर्म करके क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे एपी का पर्पस क्या है। उसके बाद पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो हम एपी करने जा रहे हैं उसके लिए पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, और फिर कार चेक करना, ठीक है। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आता है कि अगर अपन टीओसी कर रहे हैं, फॉर टीओसी, तो अपन टीओसी में कंसिडर करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है, और टीओडी में कंसिडर करते हैं, टीओडी में कंसिडर करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्टेटमेंट। यानी टीओसी करने से पहले हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेविएशन कितना होगा, ठीक है, और टीओडी करने से पहले हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, मिसस्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। ये दोनों काम रिस्क असेसमेंट में होते हैं, तो लिखा है आफ्टर डूइंग इस असेसमेंट, तो इनका असेसमेंट करके इन्हें कंसिडर किया जाएगा टीओसी टीओडी में, ठीक। यहाँ तक हो गई बात। साथ में डिटरमिन करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करें, स्ट्रेटिफिकेशन या वैल्यू वेटेड इज एप्रोप्रिएट, कौन सा एप्रोप्रिएट है। उसके बाद आता है अपना नेचर, ऑडिट एविडेंस कौन सा ऑब्टेन करेंगे, और अगर हमने सबूत ऑब्टेन किया, ऑडिट एविडेंस अपन कौन सा ऑब्टेन कर रहे हैं, और अगर अपन ने सबूत ऑब्टेन किया, एविडेंस अपन ने ऑब्टेन किया, तो कौन सा एविडेंस मिस स्टेटमेंट कहलाएगा और डेविएशन कहलाएगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, किसे इवेल्युएशन में लेना है और किसे इवेल्युएशन में, आर रेलेवेंट फॉर इवेल्युएशन ऑफ डेविएशन एंड प्रोजेक्शन, क्या प्रोजेक्शन में वो रेलेवेंट है क्या, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के अंदर और इवेल्युएशन ऑफ डेविएशन के अंदर, प्रोजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट के अंदर और डेविएशन के इवेल्युएशन के अंदर, और रेलेवेंट है क्या, उसको लेना है नहीं लेना, ठीक है। अब अपन ने इसमें एग्जाम्पल देखा था क्या, कि राम का अकाउंट श्याम में चला दिया, ठीक है, तो डेटर के बैलेंस में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजन बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए कभी कभी हम लोग उसे मिसस्टेटमेंट नहीं मानते पर्टिकुलर एपी में, लेकिन अदर एरिया के लिए वो क्या है, उसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राम श्याम वाला एक एरिया में तो सही था, दूसरे एरिया के लिए उसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो 500 की रिक्वायरमेंट है, 500 की, कि तुम लोग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस के बारे में, ठीक है। अब आता है अपन ना सैंपल साइज। सैंपल साइज में शुरू से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि सैंपल इतना होना चाहिए, सैंपल साइज ये रखो कि रिस्क रिड्यूस हो जाए टू एक्सेप्टेबली सफिशिएंट होना चाहिए रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। पहली बात डिटरमिन करेंगे कौन से स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से करो, अगर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज कर रहे हो और नॉन कर रहे हो तो पीजे से करो, प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड ऑन रिस्क ऑर्डर विलिंग टू एक्सेप्ट। सैंपल साइज डिपेंड होता है ऑर्डर कितना रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है, ठीक है, यानी कि डीआर कितना लेना चाहता है, कितना रखना चाहता है वो। अगर डीआर बिल्कुल कम करना चाहता है तो सैंपल साइज ज़्यादा, ठीक है, डीआर ज़्यादा भी चलेगा तो सैंपल साइज कम, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, अब एक बात याद रखना डीआर ज़्यादा चलता नहीं है, वैसे सिर्फ डीआर के लिए एक बात बोली जाती है कि डीआर कम रखना है तो सैंपल साइज बढ़ा दो, बहुत ही कम रखना है, ठीक है। अब रोम ज़्यादा होता है ना तो अपन डीआर कम करने की कोशिश करते, ठीक है। चलो डीआर अपने हाथ में, डिडक्शन रेस, चलो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे अपन, क्या फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज फॉर टीओसी। टीओसी में आएगा पॉपुलेशन एश्योरेंस एंड रिलायंस रेट, ठीक है, पॉपुलेशन की एश्योरेंस और रिलायंस रेट। तो इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, लिटल और नेग्लिजेबल इफेक्ट, एश्योरेंस, एश्योरेंस के अंदर आएगा डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस ज़्यादा चाहता है सैंपल साइज बढ़ा देगा ज़्यादा चाहता है तो, ठीक है। रिलायंस ज़्यादा, भरोसा ज़्यादा करना चाहता है, बढ़ा देगा। अगर कंट्रोल में ज़्यादा भरोसा करना चाहते हैं, रिलायंस ज़्यादा रखना चाहते हैं, लिख दिया है यहाँ पर, किसी को रिलायंस में दिक्कत ना है इसलिए। फिर रेट, रेट के दो पॉइंट है, टॉलरेबल और एक्सपेक्टेड। टॉलरेबल रेट ज़्यादा, ज़्यादा सेलेंगे सैंपल साइज कम, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो डेविएशन का रेट ज़्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ा दो। अब यही सारे पॉइंट आएंगे टीओडी में, ठीक है, बस तीन पॉइंट, दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट ज़्यादा ज़्यादा, स्ट्रेटिफिकेशन अगर एप्रोप्रिएट है तो सैंपल साइज कम, नॉट एप्रोप्रिएट है तो ज़्यादा, ठीक है। सैंपल सिलेक्शन के मेथड, सबसे पहला आता है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सिंपल। रैंडम सैम्पलिंग के लिए बोलता है कि रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है जब पर नॉन चांस होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है, उसमें भी सिंपल जो होता है उसमें इक्वल चांस होते हैं सबके, रैंडम में नॉन चांस, सिंपल में इक्वल चांस, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करते हैं,
अगर तुम रैंडम नंबर टेबल का यूज करोगे तो इसका यूज करना सिंपल भी है, इजी भी है, और बायस को अवॉइड करता है, ये सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट होता है किसके लिए? होमोजीनियस और फॉल विद इन रीजनेबल रेंज। अगर हमारी आइटम विद इन रीजनेबल रेंज फॉल करे, जैसे हमारे पास जो बिल है वो 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर अंदर के, तो ये अच्छा है। लेकिन 500 से लेकर 10 लाख तक के तो स्ट्रेटिफाइड बढ़िया है। ठीक है, तो रेंज फॉल विद इन द रीजनेबल रेंज। चलो, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ये डिवाइड करती है हेट्रो को होमो में। ठीक है, उसके बाद अब जब हेट्रो को होमोजीनियस में डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप कितने बनाने हैं? मैटर ऑफ पीजे। ठीक है, ग्रुप को स्टेटम बोलते हैं, ग्रुप्स को स्टेटा बोलते हैं। अब ये सिंपल का एक्सटेंशन है, क्यों? क्योंकि आप ग्रुप बनाकर फॉलो तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, वेरिएबिलिटी को कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, वेरिएबिलिटी कम करता है। वेरिएबिलिटी कम कर देगा सैंपल साइज भी कम हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबिलिटी कम, सैंपल साइज कम, तो एक चीज़ बढ़ाता है, दो चीज़ कम करता है। ठीक है, साइन भी लगा देना चाहो तो यहाँ पर। स्ट्रेटिफाइड कैसे करते हैं? स्ट्रेटिफाइड एक तरीका है मॉनेटरी वैल्यू वाला स्ट्रेटिफाइड करना, कि रुपए के हिसाब से ग्रुप बनाना। ठीक है, 500 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10 लाख, ऐसा। ठीक है, एक तरीका ये, ऐसे ग्रुप बनाओगे तो तुम्हारा जो एफर्ट होगा वो डायरेक्ट होगा लार्जर वैल्यू के लिए। ठीक है, इससे ओवर स्टेटमेंट का रिस्क कम होता है। लार्जर वैल्यू में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ओवर स्टेटमेंट का, ये बात याद रखना। उसके बाद बाई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक तरीका और होता है ग्रुप बनाने का, तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बनाओ, जिसमें हाई रोम हो उसके हिसाब से बनाओ, जैसे एजिंग। ठीक है, डेडर के एजिंग के हिसाब से बनाया, एजिंग के अंदर 90 दिन या 30 इससे ज़्यादा का डेडर जो होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, 30 से कम वाले डेडर उसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, तो रिस्क के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं, तो रुपये के हिसाब से भी और रिस्क के हिसाब से भी, यानी मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से भी और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी। अब ये पूरा काम कर लिया, अब जो भी हमारा वो आया स्टेटमेंट आया, तो रिजल्ट को अपन लोग प्रोजेक्ट करेंगे स्टेटम वाइज, यानी हर ग्रुप के रिजल्ट को उसी ग्रुप पे ही प्रोजेक्ट करेंगे और सारे प्रोजेक्शन को ऐड करेंगे तो टोटल स्टेटमेंट पता पड़ेगा, पॉसिबल स्टेटमेंट और डेविएशन। जब सबको ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे रिजल्ट को, हर एक का रिजल्ट उसी के ग्रुप पे प्रोजेक्ट करना है, और जब सारे रिजल्ट को अपन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉसिबल डेविएशन और इंटरवल। इंटरवल के अंदर अपन इंटरवल निकालने का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन पर सैंपल साइज, इससे इंटरवल आता है। अब इंटरवल 20 का आया तो पहला बिल निकालो और 20 जोड़ते जोड़ते चले जाओ आगे तक। ठीक है, तो सैम्पलिंग यूनिट ऐसे स्ट्रक्चर ना हो, इसमें एक दिक्कत होती है कि सैम्पलिंग यूनिट इस तरीके से स्ट्रक्चर ना हो जिससे क्या हो, दैट सैंपल इंटरवल करेस्पॉन्ड विद पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट यानी जिसमें से तुम बिल निकाल रहे हो वो सैम्पलिंग यूनिट्स, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर ना हो कि सैंपल का इंटरवल, ये सैंपल इंटरवल अपने ऊपर निकाला, ये करेस्पॉन्ड कर जाए पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन केयरफुली अप्लाइड करेंगे इसको। केयरफुली अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, ये केयरफुली अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक से ज़्यादा रखेंगे, इससे रिस्क कम हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और ये वाली सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मॉनिटरी यूनिट और वैल्यू वेटेड। मॉनिटरी यूनिट के अंदर क्या होता है, मॉनिटरी यूनिट को अपन यूज़ करते TOD में, TOC में यूज़ नहीं कर सकते, रुपए वाली बात, TOC में कंट्रोल आता है ना, सबसे पहली बात ये बोल रही, TOD में यूज़ करेंगे। आ जाओ, सैम्पलिंग यूनिट का यहाँ पर मतलब होता है इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट, रुपया सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। ठीक है, चलो यहाँ पर एफर्ट वही ऊपर की तरह लार्ज डायरेक्ट होते तो लार्ज वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट लार्ज वैल्यू की तरफ डायरेक्ट करते, वैल्यू बड़ी बड़ी लेते हैं, सैंपल साइज कम हो जाता है, रिजल्ट इज स्मॉलर सैंपल साइज। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं, मोस्ट एफिशिएंट होता है, मोस्ट एफिशिएंट जब तुम लोग वैल्यू वेटेड यूज कर रहे हो और सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हो वो रैंडम कर रहे हो, समझ गए, मतलब ले वैल्यू के हिसाब से रहे हो सैंपल, मगर वैल्यू में भी रैंडमली ले रहे हो। ठीक है, तो मोस्ट एफिशिएंट बन जाता है जब इसका यूज किसके साथ करें, सैंपल तो रुपए के हिसाब से सेलेक्ट होगा मगर रैंडमली कोई भी अमाउंट। ठीक है, अब ये तीन चीज़ मॉनिटरी अमाउंट में होती है, सैंपल साइज डिटरमिन मॉनिटरी अमाउंट में करते हैं, सैंपल साइज कितने रुपए का होगा, कितने रुपए का या कितने इनवॉइस का नहीं होता, कितने रुपए का होता है, सिलेक्शन रुपए के हिसाब से होता है, 5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल ऐसा होता है। ठीक है, और इवेल्यूशन भी मॉनिटरी अमाउंट है। हैवजार्ड,
कोई स्ट्रक्चर टेक्निक यूज नहीं करना है, नो स्ट्रक्चर टेक्निक यूज, ठीक है। ये पहला तो मीनिंग आ गया, वर्ड मीनिंग। उसके बाद यहाँ जजमेंट भी नहीं होता, रैंडम अलग दुनिया है, जजमेंट अलग दुनिया है, और ये उसके बीच में, ना ये रैंडम में जा रहा है ना ये जजमेंट में जा रहा है। जजमेंट में सोचना पड़ता है, बिना सोचे कुछ भी उठा लो, है हैजार्ड, ठीक है। अवॉइड कॉन्शियस बायस को हटाओ, यानी ऐसा डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम नहीं लेंगे हर बार, अवॉइड करेंगे ऐसा मत करो। अब ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज, ऐसा मत करो। अब नॉन अप्रोप्रिएट, कब अप्रोप्रिएट नहीं होता, वेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में, कभी हैफाजार्ड यूज नहीं होता, यानी कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हैफाजार्ड सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल का पार्ट नहीं है, हैफाजार्ड स्टैटिस्टिकल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वह तरीका होता है रैंडम सिलेक्शन रैंडम होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं वहां पर, यहां थोड़ी होता है ऐसा यूज। ब्लॉक सैम्पलिंग का पहले मीनिंग आएगा, जैसे उसका मीनिंग आएगा हैफाजार्ड का, नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज्ड, यहां आएगा सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस आइटम, सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअस आइटम के, सिमिलर आइटम के, ठीक है, क्लोज आइटम के, वेरी क्लोज आइटम। इसे अपन यूज नहीं करते, क्यों, ड्यू टू सिमिलरिटी इन सीक्वेंस, अपन ऐसे मानते हैं आसपास के बिल में सीक्वेंस रहेगा। इफ हाँ, अगर क्लाइंट को सिलेक्शन का आइडिया हो गया, सिलेक्शन पैटर्न का आइडिया हो गया, तो क्लाइंट क्या करेगा, मिस स्टेटमेंट आराम से छुपा देगा, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट डेविएशन इजीली ओवरलुक कर जाएंगे, इजीली ओवरलुक बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, मैनेजमेंट उसको रिकॉर्डिंग ऐसा करेगा कि ऑडिटर उसको क्या कर जाएगा, ओवरलुक। कब, जब मैनेजमेंट को किसका आइडिया हो गया, ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के सिमिलर है, देखो लास्ट की दोनों ही नॉन स्टैटिस्टिकल के सिमिलर होती है, ठीक है, मगर हैफाजार्ड को नॉन स्टैटिस्टिकल के बिल्कुल सिमिलर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जजमेंट भी नहीं होता उसके अंदर, रैंडम नहीं होता तो जजमेंट भी नहीं होता, ठीक। अब ये तो बिल्कुल सिमिलर है उसके, इसीलिए दोनों फीचर्स मिल जाएंगे, सिंपल भी है, नॉन इकोनॉमिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, वो सिंपल भी था, इकोनॉमी भी था, रिस्क ऑफ बायस वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, सेम नॉन स्टैटिस्टिकल की तरह ही। अब सैंपल सेलेक्ट हो गए ऊपर के मेथड से, सेलेक्ट होने के बाद परफॉर्म करो एपी, डिज़ाइन पढ़ा, साइज पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, डिज़ाइन साइज सिलेक्शन। अब सेलेक्ट करने के बाद एपी परफॉर्म करो, एपी परफॉर्म करो सेलेक्टेड आइटम में। अगर जो एपी तुम परफॉर्म कर रहे हो वो सिलेक्टेड आइटम के लिए एप्लीकेबल ना हो तो रिप्लेसमेंट आइटम में करो, ठीक है, या एपी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अनेबल टू परफॉर्म, आप परफॉर्म करो, यानी तुम्हें कस्टमर जवाब नहीं दे रहा तो तुम एपी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में जवाब नहीं दे रहा तो फिर उसके दूसरे सेल वेल के बिल या उसके आए हुए अमाउंट को चेक कर लो, तो आप परफॉर्म करो, ये दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ट्रीट करो उसको डेविएशन और। अब आता है नेचर और कोर्स, सबसे पहला देखते हैं नेचर और कोर्स के अंदर डेविएशन का कॉमन फीचर, कॉमन फीचर वाले को अपन पूरा चेक करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं एपी और ऑल आइटम पसेस कॉमन फीचर, जैसे सेप्टेम्बर के बिल में ज़्यादा गलती मिली तो पूरे सेप्टेम्बर के बिल को चेक कर डालो, ठीक, इन्वेस्टिगेट करो नेचर और कोर्स। इसके अंदर ही आता है कि नेचर और कॉज को इन्वेस्टिगेट करो, भाई ये कारण क्या, क्यों आया इसका, सेप्टेम्बर में ऐसे क्यों हुआ, इवेल्यूएट करो पॉसिबल इफेक्ट ऑन पर्पस ऑफ एपी और अदर एरिया, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये क्यों हुआ सेप्टेम्बर में, और जो हुआ तो अब इसका असर क्या पड़ेगा, ये हुआ क्यों और क्या असर पड़ेगा अब इसका हो गया तो, ठीक है, कंसिडर मिसस्टेटमेंट और डेविएशन। अनोमली कंसिडर कर रहे हो तो याद रखना एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में ही करेंगे और हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करेंगे, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अनोमली क्या होता है, वो मिसस्टेटमेंट डेविएशन जो पॉपुलेशन के मिसस्टेटमेंट डेविएशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। अब ये हाई डिग्री कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल एपी, ठीक है। अब एडिशनल एपी का मतलब क्या होता है, जो एपी तुमने ऊपर परफॉर्म किया ना उसके अलावा और एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके तुम्हें साई ऑब्टेन करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें क्या मिल जाए, हाई डिग्री ऑफ प्रोजेक्टिंग की बात आएगी। तो सबसे पहला जब अपन प्रोजेक्ट करते हैं, अपन बोलते हैं कि यार इसमें 1 लाख की मिस्टेक है, 1 लाख में 10,000 की है तो 10 लाख में 1 लाख की होगी, ये 1 लाख जो तुम्हारे पास आया ये ब्रॉड व्यू है मिस स्टेटमेंट के स्केल का, कि मिस स्टेटमेंट का स्केल कितना है, लार्ज है या स्मॉल है, स्मॉल स्केल है लार्ज स्केल है, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट के स्केल का ब्रॉड व्यू मिल जाता है, ठीक है। अब ये ब्रॉड व्यू है, अमाउंट नहीं रिकॉर्डेड, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब इस अमाउंट को तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट नॉट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अब एनोमली जो होता है उसको प्रोजेक्शन में हटाते हैं, लेकिन अगर वो इनकरेक्टेड हो, अनकरेक्टेड हो तो उसको कंसिडर तो करते हैं,
तो उसको हटाते हैं, लेकिन अगर वो अनकनेक्टेड हो तो उसको कंसिडर तो करते हैं, ऐड तो करते हैं उसके अंदर बिस स्टेटमेंट में टोटल में, ठीक है। टीओडी के अंदर प्रोजेक्शन होता है, टीओसी में कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। जो सैंपल की डिविजन रेट है वही पॉपुलेशन की डिविजन रेट होती है। लास्ट ऑडिट सैंपलिंग के रिजल्ट को इवेल्यूएट करेंगे, पॉइंट नंबर वन तो खुद हेडिंग ही है कि रिजल्ट को इवेल्यूएट करना, और ये इवेल्यूएट करेंगे सैंपल लेना सही था क्या, रीजनेबल था क्या, ठीक है, रीजनेबलनेस ऑफ सैंपल, वेदर यूज ऑफ इट क्या ऑडिट सैंपलिंग, वेदर यूज ऑफ ऑडिट सैंपलिंग इज, ये मतलब, ठीक है। टॉलरेबल स्टेटमेंट का मतलब होता है मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑल्डर, एक अमाउंट ऑल्डर ने सेट किया है, अब ऑल्डर इसके बारे में क्या ऑब्टेन करना चाह रहा है, एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाह रहा है कि ये अमाउंट नॉट एक्सीडेड बाई एक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी हमने जो लेवल सेट किया है स्टेटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय ऑल्डर, जिसके लिए ऑर्डर क्या ऑब्टेन करना चाह रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस के जो अमाउंट हमने सेट किया है, द मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय ऑर्डर इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है, समझते हो ना लाइन की हिंदी। ये खत्म हो गया तुम्हारा ऑडिट सैंपलिंग, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अच्छे से बनना, काफ़ी बार इस वीडियो को देखना, ठीक है, थोड़ा टाइम आ जाएगा।